गाइस, वेलकम बैक टू कार्तिक राणा ब्लॉग। नाम कार्तिक राणा, काम है ब्लॉग बनाना। तो आज जो ब्लॉग बन रहा है वो आप देख सकते हैं पीछे। आज जो वेदर है ना, वाओ, इट सीम्स टू लुक्स लाइक इट्स रेनी वेदर, ठीक है ना। तो ठंड का जो वेदर है वो आप सभी लोगों को पता कि कैसा होता है, और इस कारण जो है वो कपड़े जो कल मैंने पिछले कल धोए थे वो अभी तक सूखे नहीं है, क्योंकि धूप नहीं है और छुट्टियाँ जो है वो लैप्स होती जा रही हैं धीरे धीरे। मतलब कि 12 से छुट्टियाँ पड़ गई थी और 14 तक अभी हम यहीं पर, तो 2 छुट्टी लैप्स हो गई है, ठीक है ना। तो पीछे वेदर देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, मतलब कि कितना स्मूथ है आज का वेदर। और बाकी आज बर्थडे है गुड़िया रानी का और उसको सेलिब्रेट करेंगे, और उसी के साथ जो है वो उसी के साथ नई बातें आज के दिन में क्या क्या देखने को मिलती है। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो पेड़ पौधों को पानी मिल चुका है फिर से, तो अब देखते गाइस आगे क्या बनता है। तो अभी हम उठ चुके हैं और जैसे जैसे कपड़े सूखेंगे वैसे उस तरह से देखेंगे आगे क्या प्लान बनता है। तो ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, और देखिए आज के ब्लॉग में आपको क्या मिलता है। आज बर्थडे पार्टी है गुड़ू की, अदिति की, तो उसका फेस भी रिवील करके आपको दिखाएंगे कि कौन है वो शिमला वासी, ठीक है ना। तो पीछे वेदर देखो आप थोड़ा सा। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है आज खिचड़ी बनाई गई, और साथ में ये हमारा घी, और हम लोग जो है खा रहे हैं यहाँ पर। चाची जी फेस रिवील, आज ये बर्थडे गर्ल यहाँ पर बैठी हुई है, और इधर है अपुन। तो ठीक है गाइस, खिचड़ी खा लेते हैं, आगे बात करते हैं। वही करंट लगेगा देखो। तो ठीक है गाइस, बाय। तो ये क्या बोलेंगे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में? शुभकामनाएं सबको, हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी, और रोग दोष जो है आपके सारे दूर हो जाएं, और इस ईयर जो है वो आप काफी सुख समृद्धि हो, सुख समृद्धि, और मेरा ब्लॉग जो है वो मिलियन क्रॉस कर जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय। गाइस ये है 100 साल पुराना देवदार का वृक्ष। वेलकम बैक गाइस, तो आज हम जो है वो लेके आ चुके हैं आपके पास ये पूड़े की रेसिपी। ये पूड़े कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो गुड़ है ना, इसको क्या करना है हमें, इस तरह से छोटा छोटा कर देना है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, गुड़ है, हाँ गुड़। अब इसमें जो है वो गर्म पानी डाला जाएगा इस पर नीचे, और गीजर वाला पानी इसमें डाल दो, आप गर्म करके भी डाल सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको भर रहा हूँ, वो इसको यहाँ पर रख दिया जाएगा, और इसमें क्या है बाद में आगे नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा आपको कि क्या करना है ना। दिया है, और अपन लोग क्या करेंगे अभी, करेंगे अपना काम, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट मूव में। क्या रहता है अब ना, उसमें क्या बोलते हैं वो करना पड़ेगा, उसमें क्या, उसमें जो है वो अब हम डालेंगे आटा वगैरह, ठीक है ना। और मैं अपने कपड़े देख लूँ, आ जाओ कपड़े देखते आ जाओ। सो ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं अब आपसे, है ना। कपड़े वगैरह हमने धो लिए हैं, और बाकी आप बाहर का व्यू देख सकते हो कि कैसा है, ठीक है। तो ये है अभी बाहर का मौसम यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर देवदार का पेड़ है, आइए देखिए। हाँ तो गाइस, एक बार बताऊँ मैं आपको, मैंने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, व्हाई आई स्टार्ट होम ब्लॉग, ठीक है ना। तो घर में बैठ के ब्लॉग बनाता हूँ, बाहर कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ ब्लॉग बनाता हूँ। क्यों मैंने ब्लॉग बनाया, तो मेरे ब्लॉग बनाने का मेन मकसद यही था ना। एक्चुअली एज यू ऑल नो अबाउट मी, अब तो आप जान भी चुके होंगे कि मैं क्या हूँ, अपने अंकल आंटी के पास स्टडी बेसिस पे यहाँ पर स्टे करता हूँ, ठीक है ना। और पब्लिक के बीच में जो है वो हमारे सोसाइटी के बीच में काफ़ी र्यूमर्स हैं कि हम लोग जो है वो अपने रिलेटिव्स के पास जाके जो है वो उस फीलिंग के साथ नहीं जी पाते हैं, जैसे कि हम एक अपने माँ बाप के साथ जितना वो इंडिपेंडेंट फील करते हैं, या कुछ भी बोलो आप जितना फ्री फील करते हैं, बट एक कई सारे र्यूमर्स हो सकते हैं। बट एक बात मैं बताऊं, जब आपके रिलेटिव्स जो हैं वो
मतलब कि अगर वो आपके हर्ट के साथ, आपकी इमोशंस के साथ जुड़े हुए ना, देन यू फील रियली वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स योर रिलेटिव्स, और वो एक रिस्पेक्ट जो है वहाँ से आपको गैदरिंग करनी पड़ेगी। और मेरे को ये, मेरा ये मानना है कि हम अपनी रिस्पेक्ट जो है वो अपने आप ही बनाते हैं, चाहे वो हम अलग सोसाइटी में हो या अपने फ्रेंड सर्कल में हो या किसी और भी देश में हो या विदेश में हो, कहीं पर भी हो, जैसा हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति रहेगा ना, उसी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे लिए वापस आता है। तो कहीं भी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। विश यू अ वेरी वेरी ग्रेटफुल फेस्टिवल ऑफ दिस न्यू ईयर एंड द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ दिस ईयर। एंड मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि मकर संक्रांति, बस इतना पता कि उसमें पतंग वगैरह उड़ाते हैं कई क्षेत्रों में हमारे जो हिंदू रिलीजन है उसमें। तो बाकी गाइस, अभी मैं फाइल बना रहा हूँ ना, और बाकी बी इन टच, और अभी पैकिंग कर लेते हैं, अभी कल तक देखते हैं क्या सीन रहता है, बस जाना है, थोड़ा आउटिंग करेंगे। बट घर में जब दोनों गुरुजी हो ना तो क्लास रोज रहती है सर, रोज ही क्लास रहती है, और फिर बच्चा क्या करेगा वही करेगा जो उसको करना चाहिए, और इंडिपेंडेंट रहें, सभी की बात सुने और सभी का आदर सम्मान करें, बड़ों के साथ जो है वो रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करें, और छोटों से वैसे ही काफ़ी हद तक वैसी बात करनी चाहिए ना। तो बाकी मैं कुछ ना बोलूँगा अभी ना, बाकी ब्लॉग के बीच में आप बोलती है यार मोटिवेशन स्पीच आती है, ठीक है, तो छोटे छोटे ब्लॉग बना के देंगे आप अच्छे अच्छे से, जिससे कि आपका क्या डाटा भी खराब ना हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और साथ में आप कुछ सीख सकें। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मेरी दिनचर्या में क्या लगता है कि ब्लॉगिंग, आगे ब्लॉग प्लान करेंगे, एंटरटेनिंग लाएंगे, मैक्सिमम जो है मेरे ब्लॉग फनी ब्लॉग रहते हैं ना। तो बाकी देखते हैं गाइस, अब नेक्स्ट मूव क्या रहता है, पूरे जो बना रहे हैं उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, या फूड ब्लॉग के अलग से देखा जाते हो, बीच बीच में कट कट करके आप देखते हो, उसमें पूरे में ये कि पहले गुड़ को तोड़ेंगे, उसके बाद उसको गर्म पानी में डालेंगे, अब उसमें क्या करेंगे आटा मिक्स करेंगे, उसके जो लुगदी टाइप का वो बन जाएगा ना, मतलब कि थोड़ा बारीक वाला वो लेयर टाइप की आटा जब उसमें मिल जाएगा, तो उसके बाद उसको ठंडा रखेंगे, और फिर कढ़ाई लगाएंगे, और उसमें कच्चे के साथ उसमें डिप करके पूरे। हाँ बोलो तो है, बड़े घर भाग गई, फेस रिवील हो गया इसका शाम को केक के साथ। अब जो है ना वो हमारे को इसमें जो है, ये जो बनाया है ना, इसमें जो है आटा डाला है, अभी ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है ना, नीचे आप देख सकते हैं इसमें अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा गुड़ बचा हुआ है, तो इसको पूरा मिक्स करना पड़ेगा यहाँ पर, जो थोड़ा सा समय लग सकता है। अब जब मैं इसमें ना आटा डाल देता हूँ, बाकी जो ये आके अपने आप जो है बाद में सेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें आप आटा डाल सकते हैं ना, क्वांटिटी के अनुसार आप इसमें आटा मिक्स कर दीजिए, धीरे धीरे पोर करना इसमें आटे को, यूं को स्पून से लें, और ध्यान दें कि इसमें जो है वो इसकी कणियां ना जमें, तो इस तरह से, और फिर इसको यूं घुमा दीजिए इससे, ठीक है, आटा मैश कर करके उसके बाद जो है आप हाथ से इसको कर सकते हैं। एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं तो ये फटाफट फूड ब्लॉग आपको बता के हम आगे निकलेंगे, बाकी का आप ब्लॉग में देख सकते हैं, तो इसको मैं फटाफट इसमें डाल दूँगा ना इस तरह से, इसकी कंडीशन अभी ऐसी है ना, बाद में आके देखेंगे ये कैसा क्या बनता है इसका, ठीक है ना, ओके, इसको हाथ से वो ऐसे मैश करना पड़ेगा। तो हम ना जा रहे हैं और बाजार की ओर जा रहे हैं, अरे पीछे से अंडा अंडा हाई कर दो, तो ये आप देख चुके हैं इसको पिछले ब्लॉग में ना, बाकी अब चलते हैं। आ गया ड्राइवर सीट में, तो सो गाइस वी आर गोइंग टू द मार्केट, और से हाय शौर्य, बाय। तो गाइज अभी हम जो है कार के अंदर आ चुके हैं ना, और क्या कर रहे हैं, और अभी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी इससे पहले क्या हुआ, चश्मा ठीक लग रहा है ना, हाँ, तो अभी इससे पहले क्या हुआ, वो मैंने गिम्बल निकाला, सनरूफ खोला था ना हमने गाड़ी का, ये देख रहे हो आप ऊपर, तो कुछ बात बनी नहीं, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि क्या बनता है ना। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग को, तो ऐसे मस्त मस्त कंटेंट आपको जो है वो पेश किए जाएंगे। और नेक्स्ट जो है अभी देखते हैं कि अभी हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आज अदिति का बर्थडे है ना, तो आप देख रहे होंगे कि बीच ब्लॉग में भाई एकदम से ये क्या अवतार लेके मैं आपके सामने आ गया,
तो अवतार लेने का उद्देश्य मेरा यही है कि गुड़िया रानी का अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करें अपन लोग। और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो ब्रदर है छोटे शौर्य, वो क्या करते हैं, अब कहाँ जाते हैं। अभी फिलहाल तो देखते हैं क्या बनता है ना। और आ चुका है ये, तो गाइज ये आ चुका है शौर्य। शौर्य से हाय टू माय व्यूअर्स। तो गाइज अब चलते हैं अपन लोग, ठीक है ना। बाकी अभी इससे पहले यार जो मैंने शूट किया ना वो तो ब्लूपर्स ही हो गया यार, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट। सो गाइस तो अभी हम जो लोग जो है वो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते चलो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मार्केट की, और ये साथ में खड़ा है हमारा भाई 6 फुट 5 इंच, और ये साथ में अर्णव। तो बंद है। तो गाइज अब अपने लोग ना जा रहे हैं मार्केट, तो आज मार्केट में ब्लॉग शूट हो रहा है हमारा। ये बंदा आगे आगे चले गया भाई, ये फोन में दिखा रहा हूँ, शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं शो ऑफ क्यों करना है भाई, ये देखो गलत प्रिडिक्शन ले रहा है बंदा। आप लोगों के चक्कर में मैं कि अपनी झंड करवा रहा हूँ सबके सामने ना, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है ये, ठीक है। पीछे यहाँ पर सब्जी वाला मार्केट है ये नीचे, और आगे बस स्टैंड है। तो आगे नेक्स्ट क्लिप्स आपको आगे जाके शूट करके बताऊंगा मैं, ठीक है ना, बाय। अभी अपन लोग जो है वो इस मंदिर के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। चाची वगैरह वेट कर रहे हैं हमारा, तो पूजा करेंगे थोड़ी सी, फिर वापस आ जाएंगे। इंटीरियर में इस तरफ आके आपको पीपल का पेड़ और यहाँ पर मंदिर भी दिखेगा, तो आप आके यहाँ पर अपने रिचुअल्स कर सकते हैं। अभी हमें पानी के लिए भेजा गया था, और हम यहाँ आ गए और शनि देव के मंदिर के दर्शन भी हो गए। सो गाइस अब अपन लोग ना आ चुके हैं, ठीक है ना। कहाँ से मंदिर गए थे, मंदिर में पूजा की और आगे ये दो बंदे पीछे रुक गए, ये कैमरे से पास ना आते नहीं है, और ये पीछे रुक गए। वो देखो जरा अब चले टिचपड़े दो के साथ ना ये। तो अब चलते हैं घर की ओर, है ना। घर में देखते जो हमने वो रखा था ना पकाने के लिए, उसको पूरा पका लेते हैं, और फिर कल तैयारी करते हैं, और कल सुबह निकलते हैं संडे। बाकी सोलन घुमाएंगे, और मेरे पास एक जो है वो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है बस, टाइम तब तक के लिए ही है। और ये साथ में भाई ओके क्या बोलना चाहेंगे गाइस को? जय हिंद। जय, ठीक है गाइस, जय हिंद। ये ना कैमरे सामने बोलते नहीं ज़्यादा, ये पता है वो आर्मी वाले क्या बोलना, ये आर्मी वाले बंदे भाई इनके साथ नहीं, ठीक है ना। अपन लोगों का कंसर्ट ये लग गया, अपन तो मतलब कि अगर ऐसी बिना कैमरे के सामने बोलेंगे ना तो लोग बोलेंगे पागल है, तो इसलिए जो है वो खोल के बोलो। लेकिन भाई मेरे को बड़ा खुशी हुई यार, बंदे ने ना सब्सक्राइब करवाया यार। वैसे आप भी सब्सक्राइब किया करो जब कोई मिले आपको साथ में, तो ठीक है बाय। गाइस अभी अपन ना आ चुके हैं घर वापस, और मंदिर गए थे पूजा की, और थोड़ा सा ट्रेवलिंग करने गए थे। तो गाइस अभी गेस्ट आने वाले हैं, तो खाना बनाते को जाके। तो गाइस अभी ना जो मैंने आपको बताया था ना, वो उसमें आटा डाल दिया था हमने, और उसको ना इस तरह से मैंने मैश किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैश किया है, और ये कण टूट गए, ठीक है ना। बाकी आपको जो है वो ये देखो, ये दिख रहा ना आपको, ये मैंने पूरा वो जो था ना इसमें वो सारा मैश कर दिया है इसको। तो इसके बाद अब आपको बताएंगे कि पूड़े जो है वो किस तरह से बनाए थे, ठीक है। बाय, वेलकम बैक गाइस। तो ये मटेरियल बनके तैयार हो चुका है ना,
तो इस तरह से बन जाएगा ये समझ। उसके बाद मैंने आटा डाला बहुत ज़्यादा और ये तो गाइज ये गर्म हो चुका है, ये हो चुका है गर्म ना। अब देखिए कैसे बनता है ये। साथ ना चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता है, तो अब हम बनाएंगे चटनी। गाय चटनी बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे भूनना पड़ेगा। ज़्यादा है उसमें ना मीठा ज़्यादा पड़ गया है यार गाइस। ठीक है तो अभी इसको भूनने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सारी चीज़ में डाल देंगे। ठीक है भूनने से आप निकाल के है भून के, तभी तो बोल रहा पूछ रहा था मैं आपसे। तो गाइज इसको भूनने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसमें हरा धनिया पुदीना और जो भी साजो सामान प्याज टमाटर डाल सकते हैं है? हाँ तो सेब की चटनी भी करते हैं हम लोग, अगर आप लोग खाते तो बताओ। चीज़ ना सही आ चुकी है इनकी, बट बीच बीच में गड़बड़ हो जा रही है यहाँ पर। तो ठीक है गाइस अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, चलिए बाय, बाद में मिलते हैं मुल्ला, चटनी बनाने के बाद मिलते हैं गाइस। ओके गाइस ये चटनी का जो था ना मटेरियल वो ग्राइंड कर दिया है, अब ये ऐसा हो चुका है। अब इसमें हम डालें एंटेड है। तो गाइस ये बनके तैयार हो चुकी है और इसके साथ जो है वो हम वाह एकदम स्वाद आ गया। और गाइस इसी को ना आप इस खीर के साथ भी खा सकते हो, चाहे क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आपको खिलाते हम अगर आप सामने होते तो क्या करें। अभी ना जी पूरे दिन भर बिजी है। ठीक है गाइस ओके, तो आपने सब कुछ देख लिया है, मुझे लगता है कि अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। बड़ी मुश्किल से तवा लगाता तो ये बंद हो गया। तो ये पूड़े बनके तैयार हो चुके हैं यहाँ पर, ये पूड़े बनके रेडी हो चुके हैं और आज का ब्लॉग भी जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है गाइस। तो ठीक है ना, इसलिए जो है अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और अब जो थोड़ा सा बर्थडे पार्टी का आपको छोटा सा क्लिप आपको दिखाएंगे। ठीक है गाइस बाय। और यहाँ पर जो है ये बैठे हैं हमारे सूर में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस बाय, जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करें तो नहीं यूट्यूब में जाएगा कार्तिक राणा ब्लॉग बनाना, तो देखो ब्लॉग बन रहा है ये वाले साइड पर जरूर करके आता ही है। ठीक है गाइस ओके बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी स्टे मोटिवेटेड। आई नो यू आर गोइंग टू बी मेकिंग योरसेल्फ इन अ चिल मैनर, सो बाय बाय टेक केयर लव यू कार्तिक राणा साइनिंग ऑफ।